लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका News 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर महू किशनगंज थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक हत्या के आरोपी ने थाने में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि आरोपी को 3 दिन पूर्व अपने मामा की हत्या के आरोप में थाने में लाया गया था। घटना इंदौर के किशनगंज थाने की है। पुलिस द्वारा 2 दिन पहले आरोपित गोपाल पचौरी को हत्या के आरोप में किशनगंज थाने पर लाया गया था। उससे पूछताछ चल रही थी, वहीं कमलेश ने पुलिस अभिरक्षा में फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी किशनगंज थाने पहुंचे और लापरवाही की जाँच शुरू कर दी। वहीं DIG रुचि वर्धन मिश्र ने जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। एक थाना किशनगंज में अपराध क्रमांक 35/20 धारा 307, 327, 302 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें आरोपी गोपाल पचौरी पिता कमलेश पचौरी को कल गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह थाने के हवालात में इसके द्वारा फांसी लगाए जाने की घटना रिपोर्ट हुई है, जिस पर चूंकि पुलिस अभिरक्षा में ये बंदी की मृत्यु का प्रकरण है, तो इसलिए इसमें जिला सत्र न्यायाधीश महोदय से जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से को अनुरोध भेज करके इसमें जुडिशियल इंक्वायरी के लिए आदेश उनके द्वारा कर दिया गया है। और मौके पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम गए हुए हैं और उसमें जिन भी अधिकारी कर्मचारियों की यदि त्रुटि पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।